ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है या सफ़र, जितना जल्दी उड़ जाओ उतना अच्छा है। मैंने कही है ये बात। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, बिस्मिल्लाह। नसरपुर जा रहे हैं, जो कि हैदराबाद से चंद कदम के फासले पे, मतलब आधे घंटा। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा जल्दी उड़ गए। फजर की नमाज पढ़ लें सदाबहार पे। अभी सिलसिला ये है कि जाना तो हमें नसरपुर है, अभी बता देता हूँ किस लिए जाना है। उससे पहले हमें जाना है हैदराबाद। हैदराबाद से हम अपने एक कलीग को उठाएंगे और फिर वो लेके जाएंगे नसरपुर, जो कि हैदराबाद से तकरीबन कोई 25 मिनट की दूरी पे है, जहाँ पे उनके आम के बागात हैं। अभी फिलहाल चाय मंगा लिए, चाय पियेंगे और सीधा हैदराबाद की तरफ जाएंगे। वो लोग जो मुझे सवाल करने वाले हैं कि यार रमीश को नहीं लिया, रमीश को लेना था लेकिन रमीश की अचानक ड्यूटी सुबह की हो गई, इसलिए उसे कराची छोड़ के आए ताकि वो लोड शेडिंग कर सके। भाई ये यूसुफ भाई हैं, इनका तो आपको पता ही होगा, और ये दोनों इनके फर्जंद हैं, ये रहे सुबान और ये है अली। ये फुरकान भाई जिन्होंने कहा है कि कम से कम 100 पेटी लेके कराची जाएंगे। हैदराबाद टोल आ गया। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते हम अपने कलीग के घर पे आ गए। वालेकुम अस्सलाम। यार इतना आपने लेफ्ट राइट चक्कर आ गए यूसुफ भाई। भाई लतीफा भाई 6 नंबर जा रहे हैं सौगात शीरी, वहाँ की हलवा पूरी अच्छी है, और हम कितनी भी अच्छी जगह चले जाएंगे कमेंट में आएगा फलानी जगह चले जाते हैं। फास्ट में नहीं, नाम भी गलत बताया, ऊपर तो से वो बंद भी है। सौगात शीरी भाई आ गए मरकज शीरी। खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है, कोई तो खुला हुआ है। बहुत ही कोई मुख्तलिफ किस्म का खाना आ रहा है भाई। लाल आटे की पूरी है और ये पराठा है, ये चिकन पराठा है, चिकन पराठा भाई, और मिर्ची बहुत है। इस तरह का भी नाश्ता है। पहले तुमने 2.5 पे तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट लगेंगे नसरपुर पहुंचने। यार ये इंडोनेशियन और पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोड है, तो ये रोड इधर से शुरू होता है और मीरपुर खास तक बड़ा बेहतरीन। पहली बार मैंने देखा किसी टोल पे खातून जो है पैसे चार्ज कर रही थी, भी अच्छी बात है। कहानी की स्टोरी यह है कि हम नसरपुर पहुंच चुके हैं और उबैद भाई ने अपने एक हारी को बुलाया हुआ, वो हमें बाग तक लेके जाएगा अपने। तकरीबन कोई 9 बजे भी, ज़्यादा गर्मी शर्मी नहीं है वैसे फिलहाल। क्या हो गया भाई? अभी उबैद भाई ने बात की है, यहाँ से ताज़ा दूध निकलवा के और फिर चाय पिलवाएंगे। पिसर गए सारे लोग। ये फ़ायदा है यार शहर से ऑर्गेनिक लाइफ में आने का। ज़्यादा ही मज़े ले रहे हो। फुरकान को हमने इनके साथ भेज दिया, भाई के साथ। फुरकान आम की क्वालिटी देखेगा। इधर आने का एक मकसद ये भी है कि हम आम कराची लेके जाएं, और दूसरा मकसद ये है अय्याशी, ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। हम शहरी लोग जो है ना, उनके साथ यही मसाइल है कि यहाँ पे आके ना पिसर जाते हैं, वापस जाने का दिल नहीं चाहता, तरसे वो होते ना। ये आदिल भाई और इनकी नंबर प्लेट ये है, ये लिखा हुआ है। ये दूध निकालने से पहले एहतियातन टांगे बांध देते हैं। दूध निकालने से पहले थोड़ी सफाई कर लेते हैं इनकी, तो उन्होंने कर ली। भी छोड़ दिए। वाह चलो भाई ले जा रहे हैं। यानी कि 7 किलो जो होती है ना, 7-8 किलो दूध अभी भी दे रही है। चूल्हा वगैरह नहीं है इनके पास, लकड़ी पे चाय बनाते हैं। भाई चाय जो है वो लकड़ी पे बनी हुई ताज़े दूध की। आहा
इस भाई चाय कैसी? भाई हेलो, चाय वेट इसका कितना होगा? एक एक, एक तो होगा आधा केजी से होगा, एक से होगा। इसका एक का वजन कितना होगा? आधा किलो होगा। आधा किलो भाई, मुझे आधा किलो से ज़्यादा लग रहा है ना। हाँ, तीन पाव के करीब। ये वाले जो आम है ये हम अपने मर्जी से तोड़वाएंगे। ओहो, ऐसा तो ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। अपनी मर्जी से तोड़वाएंगे, बोरे में भरेंगे और कराची लेके जाएंगे। ओहो, तो सुबह के 10:30 बजे थोड़ी देर के लिए कैलूला कर लेते। दरख्त के नीचे ठंडी हवा चल रही है। ये दरख्त के पत्ते आप बताएंगे यहाँ कितनी हवा चल रही है। अभी ये चिकन लेके आ गए और जाने नहीं दे रहे, कह रहे खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। चिकन कढ़ाई का इंतज़ाम शुरू हो गया। चिकन आ गई, प्याज कट गई है, अभी लकड़ी पे खाना बनना शुरू होगा। चूल्हा बना रहे, जिस पे चाय बनी थी ये वो जगह नहीं है, ये दूसरी जगह है। अच्छा, गर्मी यहाँ पता नहीं लग रही है क्योंकि ये तीन दरख्त हैं नीम के, जिसकी छाँव में ये चारपाइयाँ डली हुई हैं और कुर्सियाँ डली हुई हैं इनकी औताक में। यार कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं आप हमारे लिए लशारी साहब। आप बताओ, आपकी मदद करें हम, कुछ लोगों की खिदमत करें हम। हमें भी आप देसी आदमी समझें आप, नहीं हल्का ना लें आप। प्याज लाल कर रहे हो? हाँ यार, ये कुछ बनने वाला है। आपका नाम क्या? नियाज अली। आज तुम कुछ बनाने वाले हो भाई, साथ में जो ये लकड़ी की जो खुशबू आएगी ना इसमें साथ में, वो अच्छा होगा। सीजर चाव, यार मैं बनाता हूँ ना खाना, इसमें क्या ये। यार नियाज भाई हम बनाएंगे ना यार, देखें ताकि लगे ना। ये क्या कलेजी है जी? ये पक गई होगी अभी, चेक कर लें थोड़ी यार। पकड़े कलेजी, चेक कर लें यार, ये अभी हल्का मसाला है, चख लिया मैंने यार। आज तो थोड़ी देर रुको, हमारे में मसाला। अभी टमाटर कब डालेंगे? थोड़ी देर के बाद। इतनी देर में कढ़ाई बन रही है, हम जब तक अपने आम उठा के ले आए बैठे। चले यार, लाशारी भाई के साथ बाइक पे जाएंगे। कौन हो बेटा तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हटो भाई, हटो यार, काम करने दो। तो अपनी मर्जी से वो कह रहे हैं तोड़ लो, आधा घंटा लगेगा कह रहे। और बड़े देखो सर, बहुत बड़े तो निकालो। हाँ देंगे, ये भी सेटअप है। ले भैया, हम भी तोड़ ले। ले भैया, क्या बात है यार, सोचने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात है। वो देखे आपके पापा डैडी अब्बू जो है ना, वो तस्वीर भी ले रहे हैं आपकी। अब ये सारे हमारे आम जमा हो रहे हैं जो हम अपनी पसंद से बता रहे हैं। अब देखो यूसुफ भाई, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर माल आप कहीं भी लेके जाओ आप। अब ये गिरा गिरा के जमा कर रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह जहाँ से उतर रहे हैं। तोड़ने के बाद ना फौरन बोरियों में नहीं भरते हैं। ये कह रहे थे कि आम आपस में मिलके जायका ख़राब कर देता है, तो अभी ये थोड़ी देर इसको यहाँ छोड़ देंगे आधा घंटा, और फिर बोरी में भरेंगे। ये लॉजिक यही जानते क्यों है, हमें तो सही आम ले जाने से मतलब है। फुल टाइम मुझे अपनी चिकन कढ़ाई याद आ रही है, ऑलमोस्ट ये काम हो गया और चिकन कढ़ाई की तरफ जा रहा है। याद आ रही है ओ यार, ओहो यार खा लो। ये खाना नहीं खाया ना तुम लोगों ने, तो मैं बता रहा हूँ फिर। यूसुफ भाई अभी खुश हो? सुभान अल्लाह,
हमारे आम आ गए भाई, नसरपुर के नस्ली आम। भाई खाना खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई सच्चा रिव्यू देना जरूर। बच्चों को खाना खाने समझ आते नहीं है, अगर आप लोगों ने अच्छा कह दिया ना तो फिर अच्छा ही होगा। भाई वाह, खा लो बस खामोशी से। वीडियो गई भाड़ में, खाना खा लो। आहा, ऐसी कढ़ाई खा के तो कैलूला ही बनता है, तो कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर कराची की तरफ निकलेंगे। मज़ा आ गया। अकाउंट में लिख के बता दीजिएगा अगर आपको भी लगा कि आप इस ऑर्गेनिक लाइफ को हमारे साथ देख रहे हैं। एक आखिरी एक्टिविटी रह गई, वो था ट्यूब वेल में नहाना। 10 बजे के करीब यहाँ लाइट आ जाती है, लेकिन अब 2 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉलो कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो इसको अपने किसी दुश्मन को भेजना और कहना लाइक तो कर दो यार। बाय बाय। ये 15-16 इंजीनियर लगा दिए मैंने आम की बोरी अंदर रखने में, इसके बावजूद 2 बार रह गई।